खेती घाटे का धंधा ना बना के मजबूरी का धंधा ना बना के खेती लाहेवंद धंधा बना। मैं कोई किसी आपके चहेते नहीं लाना किसी पोस्ट पर, ना ही मैं किसी आपके चमचे किसी को नौकरी देनी है। मैं वो करके खड़ गया, बंदी इंग्लैंड भज गए मालिक जी ने, असं उन्होंने कार्रवाई करने अगली कार्रवाई करने असं जोड़ा वो लिखांगे सेंटर भी रैड कॉर्नर नोटिस हो कि लोगों के पैसे लेके भजे ने। जो उन्होंने कितने होर प्रॉपर्टी है देश के तो वो भी लोकेट की जाऊगी। टैक्नोलॉजी जिनी भी दुनिया अवेलेबल है पंजाब का पानी बचाने वास्ते सरावान तो नहीं लाया, शरदा तो लाया समझ लो, मतलब धार्मिक स्थान समाजिक स्थान तो सांझे होंगे ना, तो भी जी एस टी ला दोगे। एक पास तो कहने आप कि असी 5 ट्रिलियन की इकोनमी बनानी है, दूजे पास साड़िया लस्सिया साड़िया चाह साड़िया सरावान साढ़े धार्मिक स्थान जिहड़े जिहड़े ठहरदे लोग शरदा नूं आउंदे ठहरदे आ उन्होंने तुम जी एस टियाँ ला के कि चुबारे छत लोगे। जे बेरोजगार धरने दे रहे हैं, मैं उन्होंने भी मीटिंग करूँगा, मैं उन्होंने बेनती भी करूँगा कृपा करके थोड़ा जा टाइम दो। मैं कोई किसी आपके चहेते नहीं लाना किसी पोस्ट पर, ना ही मैं किसी आपके चमचे किसी को नौकरी देनी है। मैं वो करके खड़ गया, सूर उन्होंने भी नहीं दुध का फुकया लस्सी में फूका मार दिया। पिछलियां सरकार मैं शायद कितने भुल ना जान पर मैं भुलना नहीं। बहुत विस्तार दे विच मीटिंग हुई, चार घंटे लगभग डिटेल दे विच डिस्कशन होया। बहुत सारिया मंगा जिहड़ियां ने किसानां दीआं उन्हां नूं असीं पहली साडी पाइपलाइन दे विच ने कि उह असीं पूरियां करके पंजाब की खेती नूं पैरां सिर करना है। सो वो मंगा तो जो वो लेके आए ने तो असीं उन्हां नूं कहता एक्सेप्टेड ही ने। गन्ना मिलां दा पैसा प्राइवेट दा, इस तों इलावा ता दे पार जिहड़ी जमीन है उन्हां किसानां दीआं मुश्किलां, बिजली बोर्ड नाल संबंधित 3-4 विषय सीगे, पानी नाल संबंधित नहरी पानी नाल संबंधित विषय सीगे, ते फसलां दी जिहड़ी फसली चक्कर चों निकलण दी जिहड़ी पॉलिसी है उहदे बारे डिटेल च डिस्कस होया। वो सारिया मंगा पंजाब वालों जिहड़ियां ने वो साढ़े, मैं पहले कहा कि असीं पहले ही वो पॉलिसी ते काम कर रहे हैं कि खेती नूं घाटे का धंधा ना बना के मजबूरी का धंधा ना बना के खेती नूं लाहेवंद धंधा बना। बहुत सारिया मंगा सेंटर नाल रिलेटेड ने, जिमें कि आर पी एफ दे केस ने जिहड़े रेलवे दे वो पेंडिंग पे ने, परचे दर्ज किए हुए ने। पंजाब सरकार वालों जिन्ने भी परचे दर्ज हुए सी वो सारे असी कैंसल करते, चाहे कोविड दौरान चाहे पराली दे ते चाहे कोई अंदोलन दौरान कोई होए वो असी खत्म करने का फैसला किया। जिहड़ियां नौकरियां शहीद जिहड़े किसान होए ने 292 दे दित्तियां गईयां ने, बाकी ज्यों ज्यों डिपार्टमेंटां दे विच जिहड़ियां आउंदियां जाणगियां भर्तियां उन्हां नूं एडजस्ट किया जाऊगा। ते 5-5 लख रुपया उहदे विच भी 128 किसान रह गए सिर्फ, 5 अगस्त तक वो पैसे जिहड़े उन्हां दे खात्यां च चले जाणगे पर हैड जिहड़ा पंजाब सरकार ने। सो कुछ सेंटर नाल रिलेटेड ने, BBMB मुद्दा सेंटर नाल रिलेटेड असीं ऑलरेडी उन्हूं विधानसभा चक चुके हैं, ऑलरेडी सेंटर कोल कर चुके हैं। बाकी बुढ़े नाले की समस्या पिछले दिन मैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मिले से, वो भी बहुत इंट्रस्टड ने इस गल च क्योंकि पानी सारा जिहड़ा पोल्यूटेड है वो राजस्थान तक जाता है, तो शेखावत साहब राजस्थान को बिलोंग करते हैं, उत्थे भी उन्होंने लोगों के प्रतिनिधि जिहड़े ने MLA जां उन्होंने जिहड़े चुने हुए हैं उन्होंने प्रेशर पैंदा होगा लोगों का, तो साडा भी उहदे च इह है कि कैंसर हैपेटाइटिस सी होर पता नहीं की बीमारियां वो जिहड़ा सतलुज है वो लई फिरदा। सो उहदे ते मुद्दे ते गल होई बुढ़े नाले किथे लैके जावां, इस तों इलावा गन्ने की जिहड़ी पेमेंट है 294.98 करोड़ सी जी, सरकार की खड़ी सी जिहड़ी 100 करोड़ की किश्त उन्होंने चली गई, 100 करोड़ 15 अगस्त तो पहला
आखिरी जो 94.98 करोड़ है वह 7 सितंबर तक सरकार वालों जीरो बैलेंस कर दिया जाऊगा। सरकार के सिर गन्ना उत्पादकों का कोई कर्जा नहीं होगा, वापस पैसे प्राइवेट मिलर जोड़े ने उन्हों का भी 150 करोड़ पे है, जिदे चों बहुत सारे प्राइवेट मिलर जोड़े ने उन्होंने गल कही है कि असी भी 7 सितंबर तो पहला अपनी जी ड्यू पेमेंट है वह दे देंगे। फगवाड़े की मिल जी है 72 करोड़ है, 20 करोड़ की उन्होंने जमीन दिती हुई है, उन्होंने असी नीलाम करा बेचा बेच के पैसे देवे। 8 करोड़ की उन्होंने कोई खंड का स्टॉक पे है। सो बाकी जो 44 करोड़ है क्योंकि वह बंदी इंग्लैंड भज गए मालिक जोड़े ने, असी उन्होंने कार्रवाई करने अगली कार्रवाई करने असी जोड़ा वो लिखांगे सेंटर नूं भी चाहे रैड कॉर्नर नोटिस होवे कि लोगों के पैसे लैके भजे ने, जो उन्होंने कितने होर प्रॉपर्टी है देश के विच तां वो भी लोकेट की जाऊगी ताकि असीं किसानों के पैसे नहीं दे रहे जी। धरना नहीं उन्होंने डल्लेवाल साहब ने क्योंकि उन्होंने अगवाई के जो वफद आया सी उन्होंने ये कहा कि हाँ असीं संतुष्ट हाँ। 2 मिनटों बाद आ जाएंगे तो उन्होंने कल का जो धरना वो पोस्टपोन करता कैंसल करता तो अगे तो रेगूलर मीटिंगा जारी का भी है दो है। कई बार कुछ मसले समाबद्ध होंगे ने कुछ समय लिए जिमें मुकसर के फाजिलका इलाक हड़ आया उन्होंने भी गिरदौरिया करके असं पैसे उन्होंने साहब बड़ा बुरा हाल है उस पास कह रहे कि अधिकारी आए चाह पी के चले गए बहुत सारा नरमा जो खराब हो गया उत्थे नरमे को लेकर बहुत सारे किसान जो मैं जी 1-1 रुपया मिलूगा असी साढ़े को सब तो पहला थोड़ा जा टैक्स का पैसा वाद आया तो 524 करोड़ सब तो पहला कोऑपरेट बैंकों को दिता है ताकि उन्होंने आप पैरा सिर कर सकते व्यापारियों भी बचा मजदूर के जोड़े हक ने वह भी असं मार मजदूर भी उन्होंने जे नरमा मरिया किसान का नरमा मरिया बहुत नुकसान पर जिन्होंने नरमा चुक के दिहाड़िया करके अपनी कबीलदारी चलानी सी उन्होंने भी तो नुकसान है। सो वो भी कंपनसेशन जोड़ा वो दिता जाऊगा मजदूरों को भी। सो बाकी सारिया मंगा जीडिया ने उन्होंने डिटेल ना डिस्कशन हो सुखबीर बादल एरिए बड़ा घूम रहे कह रहे कि असं पंप दे रहे हैं कुछ पक्के दे रहे हैं जो चाहिए लै लो घूम लैन जी उन्होंने तो बर्बाद किया बिल्कुल नाल प्यो का हल्का है ना ही पुत है प्यो पुत नहीं बर्बाद किया ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੂਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਸੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਏ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਮਤ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਚ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਾਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਟੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਛੱਤ ਲਓਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁੱਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਹਰ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ